हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल, और देखने जा रहे हैं सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। क्या स्टैंड है, कभी नहीं उठा पाएंगे ये। पहल आ गया नो ये तो खुद कमजोर है बेचारे। आप इंद्रजीत खुद आया, बहुत बड़ा चैलेंज है इसके लिए। अपनी क्यों बेइज्जती करवाने आ रहा है? बहुत बड़ी बेइज्जती होगी है ना। क्या बात कह रहे हैं,
वाह ओ यार इंद्रजीत, ओ यार, ओ इस ओ यार बहुत बड़ी यार निकाल बेइज्जती है, बहुत बड़ी बेइज्जती। ब्राह्मण को आपको दाना पड़ना, बहुत बड़ी बेइज्जती है। इंद्रजीत के बोलती बंद हो ओए होए 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 होए, हाईएस्ट बेइज्जती है यार। ओ आप उधर जाकर बोलेगा। हाँ देश की जय हो। रावण से भी नहीं उठा जाएगा भाई, बहुत बड़ी रावण से भी नहीं उठा जाएगा। ओ यार छा गए और चरण पकड़ने हैं तो जाकर श्री राम के चरण पकड़, ओ हो, जिनके चरणों में मुक्ति का द्वार है। हाय तू पकड़ता है मेरी चुनौती आपके योद्धाओं को थी, आपको नहीं। आपको तो मैं फिर यही कहूंगा, श्री राम के चरण पकड़ लीजिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। ओए मैं कल सूर्योदय तक का समय देता हूँ, उसके पश्चात लंका पर चढ़ाई कर दी जाएगी। ओ पार फेंक दिया। हाँ आए यार क्या भैया, ये किसका मुकुट है? ये तो महाराज रावण का मुकुट है। रावण का? जी अंगद ने चांद चढ़ा दिया। चल रे भाई। हाँ ओ ओ यार वो उड़ जावन के पास भी नहीं होती शक्ति। हाँ जी है शक्ति, हनुमान जी के पास नहीं है। नहीं रावण के साथ ही उनके पास। हाँ नहीं उनके पर काट दिए इन्होंने। ओए यार बहुत बड़ी बिजती है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा सेटबैक है यार। मैं बोलता हूँ जो रावण है ना उसके दांत खट्टे हो गए। खट्टे क्या खट्टे, नीले पीले सब। आप तो क्षमा मांग ले यार, क्या ये युद्ध युद्ध लाई हुई है। सही बात है यार, बिल्कुल यार। अब देखना कि कितना बड़ा उनको चैलेंज दिया था, अगर इनके पास इतनी पावर होती शक्ति होती तो यहाँ पर जो अंगद का पांव है ना ऐसे उठा लेते पीछे कर देते। पता चलता कि रावण की सेना में भी पावर है। अब जितने भी उसके मंत्री मेन मंत्री हैं, बाकी जो सबसे बड़े मंत्री जिनमें पावर ज़्यादा, इतने बड़े बड़े पद दिए हुए हैं, लेकिन जब वो पास आए
तब एक कोई एक ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, वो तो ऐसे जो सबसे ज्यादा एक चुका देने वाली बात थी ना वो देव इंद्र की थी। देव इंद्र ने इंद्र जीत की थी क्योंकि वो काफी उसने एक स्टार्ट हुई है मतलब कि सीरीज हमने देखना तो वो तब से बढ़ के मार रहा है लेकिन एक एक पाव नहीं वो उठा सका एक अंगत का। लेकिन बिल्कुल भाई जो सबसे एक बड़ा सेटबैक आप कह सकते हैं या एक बिस्ती वाली बात है ना वो ये है कि एक रावण को हाथ नहीं लगाने दिया अपने पाँव को, एक फौरन उसको कह दिया कि अगर लगाना है तो भाई उधर जाके हाथ लगाओ इधर ना लगाओ। और हालांकि अगर वो रावण लगा भी लेता या कोशिश भी करता तो मुझे नहीं लगता रावण से भी उठाई जाती, लेकिन भाई अंगत ने जो है एंड कर दिया जो जिस तरह कहते हैं। बिल्कुल एक बेस्ट पार्ट था, देखते नेक्स्ट पार्ट में, तब तक गुड बाय टेक।